आज हम लेके आए हैं मखाने की एक ऐसी रेसिपी जिसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुण हैं, जो पुरुषों से लेके स्त्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। मखाने में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही में शरीर में होने वाली कमजोरी भी दूर करता है और शरीर को तुरंत एनर्जी देने की क्षमता रखता है। इसका सेवन करने से किडनी और दिल के लिए भी कहा जाता है कि कई ढेर सारे फायदे होते हैं। और साथ ही ने मखाने में कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, जिसके लिए ये सुपर फूड भी कहा जाता है। इसमें फाइबर की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, तो ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। तो आज जो हम बहुत ही बढ़िया शरीर के लिए फ़ायदेमंद एक मखाने की रेसिपी तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमने पैन में थोड़ा सा नमक डालना है, हल्का सा बहुत ही चुटकी भर ऑलिव ऑयल डालना है ताकि अच्छी हेल्थ के लिए बन सके, नहीं तो देसी घी भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा, बहुत थोड़ा सा डालिए। और अभी जो आपके सामने एक कटोरी हमने मखाने की निकाल के तैयार करी थी, मैं आपको बताता हूँ, 100 ग्राम जो मखाना है उसमें लगभग 350 कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा इसमें लगभग 10% प्रोटीन भी पाया जाता है, 76% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 12% इसमें नमी होती है, और साथ ही मैं बताऊं अगर मैं इसमें 0.1% हेल्दी फैट भी होता है। ऐसा माना गया है कि इसमें कुछ सोडियम की मात्रा भी होती है, फॉस्फोरस की मात्रा भी होती है, कैल्शियम तो होता ही है जो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है, और इसमें विटामिन बी भी भरपूर मात्रा में होता है। तो दोस्तों आज की रेसिपी में जो हम तैयार करने वाले हैं ये बहुत ही अच्छा माना गया सुपर फूड है। मखाने को हमने हल्का सा भून लेना है बहुत ही थोड़े से नाम मात्र के घी या फिर ऑलिव ऑयल में, और उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये थोड़ा सा भून जाए मैं साथ ही में एक और चीज़ लेने वाला हूँ, और वो है दोस्तों गुड़। गुड़ किस काम आता है? गुड़ में आयरन होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति से लड़ने की क्षमता थोड़ी बहुत गुड़ में होती है, और एक नेचुरल खाना है, बढ़िया खाना है, गन्ने से तैयार किया जाता है, तो शरीर में बहुत ही बढ़िया माना जाता है। कहीं ना कहीं मैं बोलूं अगर मखाने को गुड़ के साथ मिलाया जाए तो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, शरीर की सुस्ती के लिए, एनर्जी के लिए सुपर फूड माना गया है। तो मैंने क्या करा, पहले तो मखानों को भून लिया और साथ में एक कड़छी में थोड़ा सा हल्का सा पानी लेके थोड़ा सा गुड़ ले लिया और गुड़ को अच्छे से पिघला लेना है। अब ये जब दोनों मिल जाएंगे दोस्तों, ये पिघला हुआ गुड़ और मखाना, तो एक कोटिंग हो जाएगी गुड़ की मखाने के ऊपर, जो इस रेसिपी में चार चांद लगा देगी और मखाने को और पावरफुल और शक्तिशाली बनाने की पूरी क्षमता रखती है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से हम फॉक्स नट यानी कि मखाने खा लेते हैं तो ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये गुणों का भंडार माना जाता है, पुरुषों से लेके स्त्रियों के लिए सारा का सारा फायदेमंद माना जाता है, और शरीर में बहुत ही बढ़िया हड्डियों के लिए कैल्शियम जो मिल जाता है वो कहीं ना कहीं मखाने के फायदे बहुत ही बढ़िया हैं। अब रोज़ाना हमें मखाना खाना कितना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि कितना मखाना खा लें। दोस्तों अगर आप 20 ग्राम खाएं, 30 ग्राम खाएं, 40 ग्राम खाएं, कोई तकलीफ़ नहीं है, मखाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आपको कहीं भी साइड इफ़ेक्ट लगे, नेचुरल खाना है, बढ़िया, आप इसको खाओ आराम से, मज़े लो, जब भी स्वाद लगे, कुछ इवनिंग में स्नैक्स खाने का मन हो, 40, 50, 10, 15, 20 जितने भी मखाने खाने का मन हो खा लीजिए, स्वाद पेट भर जाए तो छोड़ दीजिए, एक दिन छोड़ के खाना चाहते हैं, 2 दिन छोड़ के खाना चाहते हैं खा लीजिए, फिर 20-30 पीस खा लीजिए। तो कुल मिला के मखाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बढ़िया खाने की चीज़ है, बढ़िया ड्राई फ्रूट है, और गुणों के साथ मिल के ये बहुत ही नेचुरल बन जाता है। तो अब क्या, जैसे आप देख सकते हैं गुड़ हमारा पिकल गया है, तो इसे फटाफट से मखाने के साथ ये मिला देते हैं। गैस को अब हमने मखाने वाले को बंद कर दिया है और इसे भी अब झटपट बंद करके इसको आपने देखा कैसे घुमाया और अच्छे से अब पूरा का पूरा स्प्रिंकल कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपके सामने अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये गुड़ वाले जो मखाने हैं ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो जाएंगे और बस आप कहेंगे यार ये तो लाजवाब रेसिपी बनके तैयार है मिनटों में ही। मात्र 5 मिनट में इसको तैयार किया है दोस्तों और ये देखिए कितना अच्छे से इसको तैयार करा है, मिक्स कर लीजिए और आपका ये मखाने का सुपर फूड बस बनके तैयार है। अब इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं, स्टोर करके रखेंगे तो ईजीली आप एक एक दो दो मखाना खींच के भी निकाल सकते हैं, बस अच्छे से मिक्स हो गया है, चाहे तो दूसरी भी किसी कड़छी से मिक्स करके किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए, आपके गुड़ वाले कैल्शियम और आयरन से भरपूर ये जो मखाने हैं ये बढ़िया बनके तैयार हो चुके हैं और आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ जाएगा। जो भी मैंने आपको मात्रा बताई थी मखाने की वो मैंने सोचा कि
पूरी स्टडी करके जो मेरे पास मखाना है उसमें एक्चुअल क्या कंटेंट है वो देखा जाए। तो मुझे इसी के आसपास मिले तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। डिपेंड करता है दोस्तों आप कहां से कौन सी क्वालिटी का मखाना ले रहे हैं और किस तरीके से इसे तैयार कर रहे हैं। हमारा तो मखाना लगभग बन के तैयार है। आप इसे कई दिनों तक, 2-3 दिन अच्छे से ढक के स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन हो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आसानी से इस डब्बे में से एक टुकड़ा निकालिए और खा लीजिए। कैसी लगी ये मखाने की बढ़िया रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं कुछ इस तरीके से इस मखाने को खाने वाला हूँ। आप ज़रूर जाते वक्त मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया। हम बढ़ लेते हैं झटपट से अपनी अगली ट्रिक को लेके, जो बहुत ही बढ़िया। नीचे आप एक ब्राउन कलर का बोर्ड देख रहे हैं जिस पे हमारा एक काम चल रहा है मखाने का, उसको लेके है। तो चलिए शुरू करते हैं उसे भी। उससे भी बढ़िया है, अक्सर हमारे घर में जो वुडन चीज़ें होती हैं उन पे कभी कभी स्क्रैच आ जाते हैं। कभी जब सामान इधर से उधर करते हैं तो स्क्रैचेस इन पे जम जाते हैं। आप क्या कीजिए, इन स्क्रैचेस को हटाने के लिए आपके घर में कोई भी मॉइस्चराइज़र अगर रखा है तो उस मॉइस्चराइज़र की 2-4-5 बूंदें इसके ऊपर डाल लीजिए। ये जो स्क्रैचेस हैं ये आसानी से जब टिश्यू पेपर की मदद से अब हम रब करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे स्क्रैचेस कितनी आसानी से हट चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि इस मॉइस्चराइज़र से या फिर बॉडी लोशन से वुडन के ऊपर लगे हुए स्क्रैचेस को आप हटा सकते हैं अगर वो किसी सामान को इधर उधर ले जाते हुए लग चुके हैं। अगर ये स्क्रैचेस एकदम गहरे हो चुके हैं, वुड को काट चुके हैं, तो ये शायद नहीं हटेगा। नहीं तो अगर ये ऊपरी हैं तो आप जैसे गाड़ी में समझते हैं ना रबिंग करके स्क्रैचेस निकल जाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसके भी ऊपर के स्क्रैचेस निकल जाते हैं अगर ये अच्छे से पूरा गढ़ा नहीं है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है सरफेस। ये वुडन सरफेस था पूरा का पूरा। तो अपनी अगली ट्रिक दोस्तों इससे भी बढ़िया है। मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूँ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अच्छी टिप्स और ट्रिक्स सब देख सकें। आप देख सकते हैं सरफेस कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। अगली ट्रिक दोस्तों हमारी एक बहुत ही अच्छे स्नैक्स को लेके है। अक्सर हमारे आते हैं संतरों के छिलकों का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरे तो अक्सर लोग खाते ही हैं ठंड में, लेकिन आपको मालूम है इनके जो छिलके हैं वो कितने ज़्यादा मददगारी हैं। इनके ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताऊं, अगर आपकी गाड़ी में थोड़ी बदबू आ रही है तो आपकी गाड़ी में संतरे की बहुत ही बढ़िया मीठी धीमी धीमी खुशबू आ जाएगी, एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी कार में। वहीं सिर्फ गाड़ी की बात नहीं है, कोई बर्तन है, कोई डब्बा है जिसमें बदबू आ रही है उसकी भी बदबू संतरे के छिलके से अच्छे से निकल जाती है। कोई बर्तन है उस पर कोई दाग जम चुका है वो भी संतरे के छिलके से आसानी से निकल जाता है। ये देखिए दाग थोड़ा सा जमा हुआ था संतरे के छिलके से, इसको अच्छे से जब रब किया, थोड़ा सा पानी में भिगा के रखा था हमने पहले ताकि दाग थोड़ा सा नरम हो जाए, उसके बाद संतरे के छिलके से आसानी से ये निकल गया। ये देखिए कितना अच्छे से डब्बा साफ़ हो गया। इतना ही नहीं, हमारे एक डब्बे में थोड़ी बदबू आ रही थी, हमने सोचा क्यों ना उस डब्बे में संतरे का छिलका रख लिया जाए। और जैसे ही संतरे का छिलका रखा और इसको ढक्कन लगा के रखेंगे तो ये डब्बा भी एकदम बढ़िया फ्रेश एयर देने लगेगा। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।